भगवान श्री गणेश की स्थापना के दो दिन बाद क्षेत्र की महाराष्ट्रीयन परंपराओं को मानने वाले श्रद्धालुओं के घरों में माता महालक्ष्मी की स्थापना की जाती है। मंगलवार की शाम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में क्षेत्र में माता महालक्ष्मी की स्थापना की गई। श्रद्धालुओं द्वारा माता महालक्ष्मी के आगमन के साथ साथ स्थापना की पूर्व की साज सज्जा को अंतिम रूप दे दिया गया था। बुधवार को माता महालक्ष्मी को 16 प्रकार की सब्जियां, 16 प्रकार के मिष्ठान, 16 प्रकार की चटनियां, पूरन पूरी आदि पकवानों से 56 प्रकार का भोग लगाया गया। महालक्ष्मी अपने दो रूपों ज्येष्ठा और कनिष्ठा के रूप में विराजमान होती हैं। इस दौरान उनके एक पुत्र एवं एक पुत्री की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गौरी माँ भगवान गणेश की माता है, उन्हें अन्नपूर्णा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि भोजन की देवी। इसी तरह महालक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है, जिसका अर्थ है भोजन की देवी। इसी तरह महालक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है, इसलिए भक्त समृद्ध जीवन के लिए गौरी माता की पूजा अर्चना करके भक्तिमय वातावरण में स्थापना करते हैं। शहर के वार्ड नंबर 15 गणेश कॉलोनी में राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय के म्यूजिक एसोसिएट प्रोफेसर श्रीपाद आरुंकर के निवास पर माता महालक्ष्मी की स्थापना विगत कई पीढ़ियों से की जा रही है। यानी ये 100 साल से ये परंपरा चल रही है और निर्बाध रूप से हम लोग कोशिश करते हैं कि गणपति और महालक्ष्मी जी का पूजन हो, और ये हमारे यहाँ पे उत्सव के रूप में है। इसमें बहुत ज्यादा यानी जो कर्म कांड है वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि पारिवारिक सौहार्द बना रहे और समाज में एक शक्ति की जो उपासना का एक जो सिद्धांत है उसके अनुसार हम लोग ये उत्सव मनाते हैं, और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस उत्सव में शामिल हो सके ये हमारी कोशिश रहती है। तो हमारे जो मित्र हैं और हमारे आजू बाजू रहने वाले जो सह संबंधी हैं सबको इसमें आमंत्रित किया जाता है, और सब लोग मिलके ये बहुत पवित्र त्यौहार के रूप में, पवित्र उत्सव के रूप में। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज़।